अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सुबान एंड वी आर फ्रॉम लैंड होल्डर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है आर्केडिया एंड मॉल एंड रेजिडेंशिया के नाम से, जो कि भेलिया टाउन सेक्टर एफ टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक में लोकेट करता है। जैसा कि आप जानते हैं वहाँ पे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है। तो आज इसके सीईओ मलिक बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो मैं इनसे जानता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से कैसे मुख्तलिफ है। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बहरिया में, अगर आप पास हिस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 मरले और 8 मरले के प्लॉट्स को मर्चिंग करवा के एक हाई बनाई जाती थी, जिसकी कोई विड्थ तो लेंथ तो थी लेकिन विड्थ नहीं थी। वो बिल्कुल इस तरह है कि कम्युनिटी लोग ख़रीदते थे, लेकिन वो एज ए इन्वेस्टर या एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन एज ए लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे उसमें। तो जैसे कि यहाँ पे बहरिया टाउन ने एक अपॉर्चुनिटी दी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने की, और इसको ये देखें कि ये एक पहला मुनफरिद जो है हाई राइज बिल्डिंग बनने जा रही, जो 3.5 किनाल पर मौजूद है। 3.5 किनाल पे हम 11-story बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसका फ्रंट जो है 85 है और लेंथ 190 जा रही है। और इसमें देखें प्रॉपर हम नीचे कमर्शियल मॉल बनाने जा रहे हैं, और ऊपर प्रॉपर जो है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स दे रहे हैं। और जो हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं, उसमें हम हर अपार्टमेंट को लॉबी और पैशियो दे रहे हैं। लॉबी और पैशियो इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी वेंटिलेशन और उनको महसूस हो कि हम किसी अच्छी जगह पे लिविंग स्टैंडर्ड्स वाली जगह पे घर ले रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं। स्पेशली आप देखें कि काफ़ी कम्युनिटी, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके हम भी बहरिया में अपना कोई घर बना सकें या अपार्टमेंट ले सकें। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको बड़ा इकोनॉमिकल बनाकर और बड़ा अपने आप के प्रॉफिट को हमने स्पेशली बहुत स्क्वीज किया, और लोगों को ज़्यादा कोशिश की कि उनको मैक्सिमम हम रिलीफ दे सकें। तो आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशिया जो है, उसमें आप देखें कि 3 साइट्स ओपन हैं इसकी, और हर स्टूडियो से लेके 2-बेड अपार्टमेंट्स तक हमने पैशियो और बेल्कनीज दी हैं, और इसको बड़ा ओपन और बड़ा जो है ना एयर और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, ताकि लोगों को रहने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा सके। हर क्लाइंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि आया हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो डिलीवर होगा या नहीं होगा, तो उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है वो जानने की आप बताइएगा, क्या ग्रीन टेक कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है और आप इसको कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर डिलीवर कर पाए। गुड क्वेश्चन। जैसे कि पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुके हैं, ग्रीन टेक बिल्डर जो है वो एक नो लिमिट कंपनी है। बेसिकली हम गवर्नमेंट के साथ भी बहुत प्रोजेक्ट कर चुके हैं। गवर्नमेंट के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह मियांवाली में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है 200-300 बेडरूम्स का, वो डिलीवर्ड किया है। फिर सीपैक में हमें मौका मिला काम करने का, हमने इंडस्ट्रियल जो है फैसलाबाद में इलामा इकबाल इंडस्ट्रीज से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिलीवर्ड किया है। उसके बाद हमने कहा गवर्नमेंट को तो कर ही रहे हैं सब, तो हम प्राइवेट की तरफ भी हमने तवज्जो की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्केडिया को हम लेकर आए हैं, तो इसको इंशाल्लाह डिलीवर भी करेंगे। डिलीवर आप ये देखें यहाँ पे बिल्डर्स तो बहुत बन जाते हैं, लोग बिल्डर्स कहते हैं कि हम बिल्डर्स, लेकिन वो हमेशा थर्ड पार्टी को ही यूज़ करते हैं फॉर द बिल्डिंग, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी एक वर्थ है, अपनी एक स्ट्रेंथ है, हमारा इन हाउस ही सब कुछ है। हम खुद ही डेवलपर हैं, हम खुद ही बिल्डर हैं, हम खुद ही अपने हाथ से काम करने वाले और प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। सो हमें ना किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, ना हमें किसी से किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मशीनरी भी हमारी अपनी, इक्विपमेंट सारे हमारे अपने हैं। इन हाउस हमारे इंजीनियर्स हैं, इन हाउस हमारा स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, इन हाउस ही हमारे जो हैं आर्किटेक्ट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बैक एंड पे आर्केडिया की काफ़ी चीज़ों पर वर्किंग हो चुकी है, और जो हमने इंशाल्लाह टाइम दिया है 3 ईयर्स का, जो 3 ईयर्स के विदिन 3 ईयर्स इंशाल्लाह ये आर्केडिया डिलीवर्ड होगा। ना सिर्फ डिलीवरी ऑन टाइम, मैं इंशाल्लाह ये भी आपको श्योरिटी देता हूँ, जो हमारे क्लाइंट्स इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जिस दिन वो ये डिलीवर होगा, वो एक हैंडसम अमाउंट के मालिक बने होंगे, और उनको इंशाल्लाह इसमें बड़ा हैंडसम जो है प्रॉफिट मार्जिन लेकर जाएंगे वो। बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं कि ये ऑन टाइम जो है वो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा। अगर आप भी आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंशियल के अंदर अपना अपार्टमेंट या कमर्शियल आउटलेट हासिल करना चाह रहे हैं, तो टीम लैंड होल्डर के साथ आप रابطہ करें और एक अच्छी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल करें। शुक्रिया।